अनुष्ठित है अखिल भारतीय गणतांत्रिक महिला समितिर 13तम राज्य सम्मेलनी निजर स्वाधीनता और समानता प्रत्येक नारी स्वर उत्तोलन करने को अतिथि आह्वान। अखिल भारतीय गणतांत्रिक महिला समितिर 13तम राज्य सम्मेलनी सहरर महेश्वरी भवन राज्य सम्मेलनी को गणतांत्रिक महिला समितिर सर्वभारतीय सभानेत्री डॉ मालिनी भट्टाचार्य उद्घाटन करने सह राष्ट्र निर्माण में महिला गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपर आलोचना करथिले। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन ठारु विकासमूलक कार्यधारा पर्यंत प्रतिटि क्षेत्र में महिला आगक आसीपारी एहा सत्वे निजर हक पाई आज भी महिला संग्राम जारी रखिछन्ति। एने निजर स्वाधीनता एवं समानता पाई प्रत्येक नारी स्वर उत्तोलन करने को श्रीमती भट्टाचार्य समस्त को आह्वान देथिले। हमारे संगठन की ओर से पुलिस काम कर रहे हैं और ये कामयाबी हमारी पूरी तरह जल्दी ही जल्दी हमारी मिलेगी। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और ये बालेश्वर हमारे मेंबर हैं, प्रतिवेशी है। बहुत हमारे जो दो बंगाल और उड़ीसा उसके बीच में एक स्पेशल रिलेशन भी है। देश के विरुद्ध लड़ाई करते करते जो आमाज्योति अपना बाधा ज्योति नामा बाधा ज्योति नामा पूरे देश के गर्व बाधा ज्योति तिनि प्राण दिए 183 बचर हल तर से शहादत और शहादत का 143 साल अभी बीत गए हैं। शेख फकीर मोहम्मद सेनापति गौरवपुर विरोधी जेखने ना कि मेयेदेर अवस्थान एक पुरान समाज परम्परा समाज कम फाटे मेरे व्यवस्था मेरा कि भावे फाटे तीन फकीर मोहम्मद सेनापति एकाधिक अखिल भारतीय महिला समितिर साधारण संपादिका मारियम धावले पूर्वतन विधायक प्रदीप्त पंडा संगठन सर्वभारतीय संपादिका तापसी प्रहराज उत्कल महिला समिति नेत्री मनलता जेना अभ्यर्थना कमिटी संपादिका हरप्रिया जेना प्रमुख एही सम्मेलन रे नारी शक्ति जागरण संपर्क में वक्तव्य प्रदान करथिले। आप जानते हो महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी, अत्याचार और धर्म और जात के नाम के ऊपर हमारे देश में टेंशन बहुत बढ़ गए हैं। एक तरफ से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में बैठी हुई और यहाँ पर बीजेडी की सरकार है। ये दोनों सरकारें मिलकर औरतों की जिंदगी में परेशानी दूर करने के लिए कोई भी पहलकदमी नहीं कर रही है, वो उल्टा कर रही है। आज आप देखिए सभी जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक है उन सभी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। उज्ज्वला गैस आज 1200 तक पहुंच गया। उज्ज्वला गैस मतलब उजाला देने वाला आज अंधकार दे रहा है औरतों की जिंदगी में। यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सवाल अभी तक नहीं छूटे हैं। ओडिशा के अंदर 30% परिवार ऐसे हैं जिसके वहाँ सिर्फ एक ही टाइम चूल्हा जलता है, लेकिन नवीन पटनायक जी कोई पहलकदमी नहीं कर रहे हैं उनका पेट भरने के लिए। तो ये सब सवालों के ऊपर हम बहस करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे आगे के 3 सालों में। और इस देश का जो संविधान है, ये संविधान जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी देश बनाता है, उस संविधान को खत्म करने की साजिश ये आरएसएस और बीजेपी की मोदी अमित शाह की सरकार कर रही है। वो चाह रही है कि इस देश में जाति व्यवस्था मजबूत हो। हम कह रहे हैं कि हर एक भारतीय नागरिक जो इस देश में रहता है उसको हक है इस देश में रहने का, कोई भी वो छीन नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी की सरकार पूरी तरह से इस देश का जनवादी मूल्य खत्म करने के ऊपर तुली है। हम देख रहे हैं वो कैसा संदेश दे रही है लोगों को। आजादी के 10 दिन पहले, अमृत महोत्सव के 10 दिन पहले उन्होंने अनाज के ऊपर GST लगा दिया ताकि अनाज महंगा हो, और आजादी के दिन
उन्होंने इस देश के अंदर बलात्कारी को, गैंग रेप करने वालों को और मर्डर करने वालों को, बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया। मतलब वो देश को संदेश दे रही है कि गुंडों का राज चलेगा और जो बेगुनाह है, जो अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ रहे तीस्ता सेटलवाद जैसे, उनको जेल में डाला है। ये हमें कतई मंजूर नहीं, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। एक कार्यक्रम रे समितिर राज्य सभानेत्री सुरजिता नायक सभापतित्व करिथिले। अभ्यर्थना कमिटीर अध्यक्ष प्राध्यापिका विनीता पंडा स्वागत अभिभाषण प्रदान करिथिबा बेले उपसभापति चारुबाला दास शेषरे समस्तंकु धन्यवाद अर्पण करिथिले। गणतांत्रिक महिला समितिर प्रथम राज्य आवाहिका इंदुमती नंदी, माइक्रो फाइनान्स विरोधरे संग्राम करिथिबा नारी नेत्री संयुक्ता सेठी, मद विरोधी आंदोलन नेत्री कांचन साहू, कोरोना काल रे असहाय मानक खाद्य जोगाइथिबा शांति मुर्मू प्रमुख को एही अवसर रे संबर्धित करा जायथिला। बालेश्वर समेत विभिन्न जिल्लारु बहु महिला एही सम्मेलन रे जोग देथिले।